जी किदां की हालचाल दोस्तों, ये एक क्विक रिव्यू है वर्ल्ड फेमस स्पेनिश वाइन रेडियो बोका का। जी हाँ, रेडियो बोका को इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है एल्को स्टार डिस्टिलरीज, जो कि लीकर इंडस्ट्री में एक काफी जाना पहचाना नाम है। उसने रेडियो बोका को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। दोस्तों ये एक स्पेनिश वाइन है जिसको कि स्पेशली यूथ के लिए बनाया गया है। दिखने में काफी ज्यादा सुंदर है। ये 3 वेरिएंट्स में मार्केट में आपको मिल जाएगी। ये रेड वाइन है पहला वेरिएंट जिसका आज हम डिटेल रिव्यू करेंगे। उसके बाद आती है व्हाइट वाइन और तीसरी आती है रोजे वाइन। बाकी 2 वेरिएंट्स भी मैं इस चैनल पे लेके आऊंगा। सबसे पहले डिजाइन लैंग्वेज काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। जी हाँ, बॉटल देखने में काफी ज्यादा सुंदर है। आगे जैसे कि फेस्टिवल सीजन आ रहा है, आप अपने फ्रेंड्स को इसकी बॉटल गिफ्ट कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव प्राइस में आपको मार्केट में मिल जाएगी। जी हाँ, ये शानदार बॉटल आपको केवल 1000 रुपीज में चंडीगढ़ में मिल जाएगी, और चंडीगढ़ में ये आपको मिलेगी दी लीकर स्टेट में। आप उनके किसी भी आउटलेट पे जा सकते हो, वहां पे पूरी रेंज इसकी आपको मिल जाएगी। भाई फर्स्ट इंप्रेशन काफी अच्छा है मेरे हिसाब से। स्पेनिश वाइन है, इंडियन वाइन नहीं है। उसके बाद बॉटल काफी ज्यादा गुड लुकिंग है, प्राइस फैक्टर काफी ज्यादा अच्छा है। इसमें जो आपको एल्कोस्टन मिलेगी, ये 13% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मिलेगी और 750 ml की बॉटल है। तो चलिए अब इसको पोर करते हैं ग्लास में, करते हैं इसकी नोजिंग और टेस्ट। दोस्तों कलर इसका काफी अच्छा, एक डार्क रेड कलर है, एक प्लम कलर है, जो कि देखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। और जैसे ही मैंने इसको ग्लास में पोर किया, काफी अच्छा एक फ्रूट्स का अरोमा मुझे आना भी स्टार्ट हो गया है। अ हिंट ऑफ स्ट्रॉबेरीज, सम रेड चेरीज। दोस्तों नोजिंग काफी ज्यादा प्लेजेंट है। चलिए करते हैं इसका टेस्ट। चीयर्स टू एवरीवन। वाओ, बहुत अच्छा टेस्ट है। मैं बोलूँगा थोड़ी सी स्वीटनेस में, ये ज़्यादा आपको टैनिन्स इसमें नहीं मिलेंगे। फ्रूट्स का काफ़ी अच्छा टेस्ट मिलेगा आपको, जैसे कि चेरीज होगी, स्ट्रॉबेरीज होगी, ऐसा टेस्ट आपको मिलेगा। बहुत ही बढ़िया एक ये कम्बिनेशन है। मेरे हिसाब से आजकल के यूथ को ये पीने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगेगी और काफ़ी ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली भी है। 1000 में ईजिली मिल जाती है और मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में ये मार्केट में बूम मचाने वाली है। जी हाँ, क्योंकि इस प्राइस रेंज में जनरली इंडियन वाइन्स हमें पीने को मिलती है, लेकिन स्पेन से आई हुई वाइन 1000 के अंदर अगर आपको मिल जाए तो ये काफ़ी अच्छी डील हो जाती है। भाई मेरी तरफ से बिल्कुल थम्स अप है ये, आप इसको ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन चीयर्स, पियो और जियो।